Now friends, I am going to discuss about why C is like form dependent. This is our question. We have to prove. मैं इसको प्रूव करूंगा, आप लास्ट तक वीडियो को देखें. बेसिकली सी में जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंप्यूटर है, ठीक है. देखिए सी की जो प्रोग्राम होती है वो क्या होती है, सोर्स कोड इंडिपेंडेंट, और क्या होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है. सॉफ्टवेयर मीन्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम. सॉफ्टवेयर मीन्स यहां पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के पास अगर ये दो चीजें हैं, माइक्रो प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वी कैन से दैट दिस इज प्लेटफॉर्म. ओके, नाउ जो हमारी फाइल होती है डॉट सी, आप सभी जानते हैं. सपोज करिए कि मैंने कोई प्रोग्राम बनाया रिवर्स डॉट सी. आपने बनाया होगा, कोई प्रोग्राम होता है, कोई नंबर होता है 1 2 3, तो इसको हम रिवर्स करते हैं 3 2 1. तो इस कोड को हम ऐसे कुछ लिखते हैं, ये हमारा फाइल है डॉट सी फाइल. इसमें हमारा मेन फंक्शन होता है void main, ठीक है. इसके अंदर कुछ कोड लिखे रहते हैं. अब बात आपको ये समझना है, सबसे पहले आपको ये समझने की कोशिश करना है कि ये मेन फंक्शन को कॉल कौन करता है, हु कॉल द मेन फंक्शन. ध्यान से समझिएगा, हु कॉल द मेन फंक्शन. बेसिकली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कॉल करता है इस मेन फंक्शन को. कौन कॉल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर इस लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अगर आपने विंडोज इंस्टॉल किया है, विंडोज ओएस आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, ठीक है, इसमें आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए. देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि व्हाई द सी प्रोग्राम इज सी फाइल इज सोर्स कोड इंडिपेंडेंट. देखिए कोड को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, डॉट सी जो फाइल है उसको कहीं भी इस प्लेटफॉर्म में ले जाएं या इस प्लेटफॉर्म में ले जाएं, ठीक है, वो कहीं भी एक्सेसिबल होगा, एक्सेप्टेबल होगा. बट जब आप इसको विंडोज जब इसको कॉल करेगा, उसको कंपाइल कराएगा, आपने देखा होगा कंपाइलर कंपाइल कराता है, तो कंपाइल कराने के बाद अगर विंडोज है तो डॉट exe फाइल बनाएगा जो कि ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट होगा. तो हमारा जो डॉट exe फाइल होगा मशीन रीडेबल फॉर्मेट होगा, और इसको रन करा के हमें स्क्रीन पे आउटपुट मिल जाता है. ध्यान से समझिएगा, ये इतना प्रोसेस हुआ. अब इसी डॉट सी फाइल को अगर आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कराते हैं तो देखिए इस फाइल को, जब इस फाइल को कॉल किया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ने, तो ये जो हमारा मेन प्रोग्राम है, मेन मेथड है, इसको कॉल किया, तो इसने कॉल करने के बाद अपने प्रोसेस करके डॉट exe फाइल बनाया. लेकिन लिनक्स में यही इसी चीज को जब ये इसको इस ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब इस मेन फाइल को कॉल करेगा तो कुछ अलग अपना प्रोसेस करके फाइल बनाएगा. जैसे मान लीजिए डॉट आउट फाइल, डॉट आउट एक्सटेंशन एक मशीन रीडेबल फाइल बनाएगा, मशीन रीडेबल फाइल, ठीक है. तो देखिए जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपाइल होकर डॉट exe फाइल हुआ और रन हुआ, और इसमें क्या हुआ कि हमारा सी को फाइल को कंपाइल कराने के बाद हमें जो डॉट आउट फाइल मिला जो कि मशीन रीडेबल हुआ, और इसको हमने रन करा के हमें स्क्रीन पे आउटपुट मिल गया. लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि देखिए इस सी फाइल को तो आपने उठा लिया और इस कंप्यूटर के अंदर लाए, सब कुछ चला. लेकिन जब आप इस डॉट exe फाइल को लेंगे जो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको बनाया है, इसको आप इसमें अगर कॉल करना चाहेंगे, रन कराना चाहेंगे, एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे तो ये फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगा. दैट इज वाई कि हम इसको कह सकते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्योंकि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंपाइल करा है
सिर्फ उसी में वो फाइल एग्जीक्यूट होगा और दूसरे फाइल में, जैसे इस डॉट और फाइल को अगर आप चाहेंगे कि विंडोज में चल जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं रन करेगा. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट.